हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं समा शुक्ला एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस में वो कौन सी यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूनिट 4 की, यूनिट 8 की, यूनिट 10 और यूनिट 13 की, जो कि आपके सिलेबस में फंडामेंटल प्रोसेस के नाम से मेंशन की गई है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से मेंशन की गई है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और मेथड्स इन बायोलॉजी के नाम से मेंशन की गई है। फंडामेंटल प्रोसेस जिसको हम लोग जनरली मॉलिकुलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, इस यूनिट का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें एग्जामिनेशन में तो अराउंड 35-40 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सेलेक्टिव होकर प्रिपरेशन करते हैं, 7-8 या 8-9 यूनिट्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चारों यूनिट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहले यूनिट की हम लोग बात करते हैं जो कि फंडामेंटल प्रोसेस है, जिसको हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग लाइक DNA RNA का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन के प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन है, रेगुलेशन है, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और 40 मार्क्स से अराउंड तो आपको पूरे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपको इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यूनिट 8 की, जो कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से आपके सिलेबस में, जिसको हम लोग जनरली जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इस यूनिट से भी अगर आप देखें तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये यूनिट आपकी। अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मगअप नहीं करनी होती हैं, रटनी नहीं होती हैं। मार्क्स और कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इससे भी आपको 40 मार्क्स से अराउंड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं इसमें, लाइक आप पेडिग्री की बात करें, मॉलिकुलर बेस्ड मार्कर की बात करें, इस तरीके से कई सारे लिंकेज मैपिंग का टॉपिक है, सिस ट्रांस टेस्ट है आपका, टेट्राड एनालिसिस है, तो कई सारे इस तरीके के टॉपिक्स हैं आपके जिनसे आपको जेनेटिक्स में क्वेश्चंस मिलते हैं। और अराउंड आप 40 मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं अगर आप जेनेटिक्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो वो आपकी है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के नाम से आपके सिलेबस में, जिसको हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये यूनिट भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और अगेन ये कॉन्सेप्चुअल यूनिट है जहाँ से आपको बहुत सारे ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हैं लाइक पॉपुलेशन जेनेटिक्स है आपकी, पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेगुलेशन है, लोटका वोल्टेरा मॉडल है, प्री प्रीडेटर कॉम्पिटिशन मॉडल है, कई सारे इस तरीके के टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आप आसानी से इस यूनिट में भी स्कोर कर पाते हैं। और 40 मार्क्स के अराउंड केवल और केवल इकोलॉजी कवर करता है आपका। अगर इवोल्यूशन के साथ हम इसको मिक्स कर दें तब तो आपको 60-70 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन हम प्योर इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी के टॉपिक की बात करें तो भी आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इकोलॉजी से मिल जाते हैं। तो ये यूनिट भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं यूनिट 13 की बात करूं, जो कि मेथड्स इन बायोलॉजी के नाम से आपके सेक्शन में, आपके सिलेबस में, इस यूनिट में बेसिकली हम लोग डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स की बात करते हैं, चाहे वो DNA से रिलेटेड टेक्निक हो या प्रोटीन प्योरीफिकेशन से रिलेटेड टेक्निक हो। इस यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 45-50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मेथड्स इन बायोलॉजी सेक्शन से ही मिल जाएंगे। चाहे प्रिस्क्रिप्शन मैपिंग की बात करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस एरिया से, या DNA प्योरीफिकेशन टेक्निक की बात करो, या प्रोटीन प्योरीफिकेशन टेक्निक की बात करो, लाइक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप एटलीस्ट 35 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं। ओवरऑल 50 मार्क्स का आता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो कम से कम आप 35 या 30 के अराउंड केवल इस यूनिट से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप CSIR नेट की तैयारी करने जा रहे हैं और अगर आप थोड़े सेलेक्टिव हो रहे हैं, अगर आप 7-8 या 8-9 यूनिट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन यूनिट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स के एनालिसिस करके आप और इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।